अग्निपथ योजना और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जंतर मंतर पर विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। दरअसल कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी की तुलना एडोल्फ हिटलर से करते हुए कहा कि अगर मोदी हिटलर की राह पर चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। सुनिए उनका ये विवादित बयान। भाजपा हमारी दो दो चुनी तीन तीन जरूर चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। बूढ़ा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी है, इतना लंबा कतार है शहीदों का। विवादित बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबोध कांत सहाय के बयान की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अपना किनारा करते हुए कहा है कि हम अग्निपथ योजना और ईडी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी की हम निंदा करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।